बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ। जी आप सब कैसे हैं? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। जी आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाना बहुत आसान है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg गाजरें ली हैं और उनको अच्छी तरह से छील लिया था, धो लिया था, और यहाँ पर मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी सारी गाजरों को अच्छी तरह से। जी तो ये देखें, इस तरह से काट लेंगे सारी गाजरों का कद्दूकश। और यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लूँगी और इसमें मैं 2-3 चम्मच ऑयल के डालूँ घी के डालूँगी, देसी घी के, और इसको मैं गरम कर लूँगी अच्छी तरह से। सबसे पहले घी को अच्छी तरह से गरम करेंगे। जी तो फ्लेम को लो रखेंगे। जी तो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से घी को जो है मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं जो गाजरें हैं ये इसमें ऐड कर दूँगी कढ़ाई में, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जी तो इतना इनको पकाएंगे कि इसका जो पानी है गाजरों को अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जी तो सिर्फ घी में हम पहले भूनेंगे इनको, गाजरों को अच्छी तरह से। जी तो ये देखें, फ्लेम को हम लो रखेंगे और इनको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे पानी काफ़ी आता खुश्क हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 1 कप शुगर है, ये ऐड कर दूँगी इसमें, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे शुगर के साथ। गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले और इसको भी पकाएंगे। और जो जी तो ये देखें, जी तो शुगर ने जो पानी छोड़ा ये भी इस खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से गाजरों को, और ये इनको अच्छी तरह से पानी को खुश्क कर लेंगे। और यह मेरे पास बादाम है जो मैंने भिगो के रखे थे और छील लिए थे, और ये भी ऐड कर दूँगी इसमें। और ये देखें कैसा कलरफुल तैयार हुआ है हमारा हलवा। और ये देखें, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका घी जो ये सेपरेट हो जाएगा, तो फिर ये तैयार होगा। आप ये चेक करते रहिएगा कि इसका जो घी है ये सेपरेट हो, तो फिर ये भुना जाएगा इस तरह से। और ये देखें हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है। और मैं आपको इस तरह डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मैं। जी तो ये देखें, डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको मैं। जी तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जी तो ये देखें, तो हमने डिश आउट किया है और कैसा ज़बरदस्त कलर और ज़बरदस्त तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।